गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम इस वीडियो के अंदर हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इस वीडियो के अंदर हमने पिछले पार्ट में पार्ट वन में हमने पहले तीन क्वेश्चन करे थे, वो बाउंडेड लीनियर ग्राफ थे। और इस वीडियो के अंदर हम जो आज काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही ग्राफ क्या हैं बेटा? ये अनबाउंडेड ग्राफ हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना बेटा सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। मिनिमाइज जेड इज इक्वल 3x + 5y और दो इक्वेशन गिवन x + 3y > 3, x + y > 2 और x और y > 0। इसका मीनिंग तो सिर्फ इतना ही होता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है बस, ठीक है। बाकी तो सॉल्व तो हमने फर्स्ट टू इक्वेशन को लेकर करना है, ठीक है बेटा। चलो देखो ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले अब इसके अंदर हम टेबल बनाते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप इसको इक्वल का साइन लगा लें, x + 3y = 3 और x + y = 2। यहाँ पर टेबल ड्रॉ करें, यहाँ x और यहाँ पे y। तो एक बार तो हम x को 0 पुट कर लेते हैं और 3 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में तो 1 हो जाएगा। y को 0 पुट कर दें तो x कितना बन जाएगा यहाँ से 3। ऐसे अगर हम सेकंड इक्वेशन को ड्रॉ करें, यहाँ पर है x और ये y, x को 0 पुट कर दें तो y = 2 हो जाएगा और y को 0 लिखें तो x कितना बन जाएगा 2। समझ में आया बेटा? चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स लगा लेते हैं पहले। तो कितना पॉइंट होगा? तो फर्स्ट पॉइंट x0 y1, फर्स्ट पॉइंट x3 है और y0, सेकेंड पॉइंट जॉइन दिस टू पॉइंट्स। ओके बेटा, क्लियर? तो ये हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी, ठीक। इधर लिख लें लाइन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड लाइन x0 y2 राइट हेयर एंड x2 and y0, तो सेकेंड पॉइंट राइट हेयर। तो जॉइन दिस टू पॉइंट्स, ओके बेटा। तो ये हमारी आ जाएगी लाइन नंबर 2। अब इसके अंदर बेटा हमने शेडिंग करनी है कि कहाँ पर इसकी शेडिंग होगी। तो सबसे पहले आप x की जगह यहाँ पे 0 पुट करें, y की जगह 0 > 3। क्या 0 3 से बड़ा होता है? नो। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पुट x0 y0 > 0 2 से ग्रेटर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। तो इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। चलो इसको मैं पहले आपको शेडिंग के बारे में डिटेल समझाता हूँ, तो उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा, हमारे पास 4 तरह के ग्राफ होंगे बेटा। तो फर्स्ट ध्यान से समझना बेटा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ करी। सपोज करो कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो इसकी जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी, ठीक है बेटा। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, देखो, ठीक है, ओरिजिन, अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो इसकी जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर ट्रू है, ध्यान से देखो, ओरिजिन की तरफ, फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में। और थर्ड ग्राफ जो हमारा बनेगा, थर्ड इज कि अगर मैं एक लाइन इस ओरिजिन वाले पॉइंट से टच कर दूं, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दूं, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, ठीक है। नंबर 4, अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूं, ये एक्स है, ये वाई है, एक ओरिजिन है, एक लाइन ओरिजिन को टच कर रही है, ठीक है। अगर ओरिजिन को टच कर रही है तो हमने ट्रू और फॉल्स नहीं देखना, याद रखेंगे बेटा। तो हम क्या करेंगे कि अगर एक्स वाई से ग्रेटर है तो इसकी जो शेडिंग है वो एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगी। अगर वाई एक्स से ग्रेटर है तो इसकी जो शेडिंग होगी वो वाई एक्सिस की तरफ बन जाएगी। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखो, अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट में। अगर एक्स वाई से बड़ा है, देखो, अगर ओरिजिन से टच कर रही है, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स की तरफ,
अगर ओरिजिन को टच कर यार वाई एक्स से बड़ा है तो वाई की तरफ। क्लियर है बेटा? चलो वापस ग्राफ पर चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर ध्यान से देखो, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? फॉल्स हैं। तो इसकी जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखो तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट लाइन है, देखो फर्स्ट लाइन के ऊपर इस तरह से पेपर रख लो, ठीक है, और सेकेंड लाइन ये वाली जा रही है, देखो इस पेपर के ऊपर शेडिंग नहीं करनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है और सेकेंड लाइन से ऊपर ऊपर करना है, ठीक है बेटा। सेकेंड लाइन से ऊपर फर्स्ट लाइन इस पेपर के ऊपर आपने शेडिंग नहीं करनी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके बाद हमने क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आपने शेडिंग करी सिर्फ वो पॉइंट लेना, ए, ये वाला बी और ये वाला सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 3 0, यहाँ पर ये बी, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये सी का पॉइंट है जो हमारा, क्या लिखेंगे इसको, 0 2 लिख देंगे, ठीक है बेटा। और बी का पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करके, देखो कैसे सॉल्व, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, फॉर किसके लिए, बी वाले पॉइंट के लिए। तो सॉल्व करते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और x प्लस y किसके इक्वल है, 2 के। तो दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ से 3 माइनस 3 वाई, पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, 3 माइनस 3 वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 पर की तरफ ले जाओ तो यहाँ -2y हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो -2y -1, माइनस कट हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, 3 माइनस 3, तो y की जगह 1/2, तो x कितना बन गया, 3 माइनस 3/2, 2 LCM, 2 3 6, 6 में से 3 गया तो यहाँ से हो जाएगा 3/2, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो B के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 3/2 1/2, 3/2 का मतलब 1.5 और इसका मतलब 0.5। तो यहाँ पर जो B के कोऑर्डिनेट होंगे 3/2 1.2, 3/2 यहाँ पर इसके सीधे में देख सकते हो ये 1.5 है और ये 1/2 का मतलब 0.5, इसके सीधे में देखोगे तो 1/2, इधर देखोगे तो 3/2 मतलब 1.5। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम चेक करेंगे, कहाँ से, स्टार्टिंग वाली जेड वाली इक्वेशन से। सो जेड किसके इक्वल गिवन है, 3x + 5y, कॉर्नर पॉइंट लगाओ, कॉर्नर पॉइंट कौन से होते हैं, ये वाले बेटा, ये ए, ये बी, ये सी। तो ए के कोऑर्डिनेट लगाओ यहाँ पर 3 0, बी के पॉइंट लगा लो 3/2 1/2 और सी के पॉइंट ले लो तो 0 2, ठीक है बेटा। जेड इज इक्वल, एक्स की जगह 3 पुट करो, वाई की जगह 0, तो 3 3 कितना हो गया, 9, यहाँ पे आ जाओ, जेड इज इक्वल, एक्स की जगह 3/2 पुट कर दो यहाँ से 5, वाई की जगह 1/2, तो ये 9/2 हो जाएगा, 5/2 14/2 यहाँ से 7 आ जाएगा। तो चलो जेड, एक्स की जगह 0 पुट कर दो, वाई की जगह 2, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, वाई की जगह 2, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10, समझे बेटा। तो इसके अंदर मिनिमाइज कितना होगा, तो सबसे छोटा आंसर होगा वो मिनिमम होगा, तो इसमें सबसे छोटा आंसर कौन सा आ रहा है, 7। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 7 एट कहाँ पर, बी की पोजीशन पर, बी कितना था, 3/2 और 1/2, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप, और इसके अंदर जरा ध्यान से देखना कि ये जो ग्राफ है हमारा क्या बना, अनबाउंडेड ग्राफ है। अनबाउंडेड होते हैं जो चारों तरफ से क्या हो, बंद ना हो, तो ये ग्राफ जो है हमारा वो अनबाउंडेड ग्राफ है। अनबाउंडेड होता है जो चारों तरफ से बंद ना हो, जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन करे थे वो बाउंडेड ग्राफ थे, देखो बेटा ये जो हमने 3rd क्वेश्चन किया था, ये जो ग्राफ है वो चारों तरफ से क्या है, शेडिंग जो है इसकी वो चारों तरफ से बंद है, तो ये ग्राफ कौन सा है हमारा, बाउंडेड ग्राफ है। और ये वाला जो ग्राफ है वो जो चारों तरफ से बंद नहीं है इसको अनबाउंडेड कहते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस हमको करना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, बट दिस इज अनबाउंडेड ग्राफ। अगर ये हमारे पास अनबाउंडेड ग्राफ है तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली जेड इज इक्वल टू 7, अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड
लेस देन 7। अगर हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जेड इज ग्रेटर देन 7। अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो मैं क्या लिखूँगा, जेड इज लेस देन 7। समझ में आया बच्चे? अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट करनी है। तो जेड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3x प्लस 5y और यहाँ से लेस देन 7। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर आप दोबारा से टेबल बनाओगे, यहाँ पर ये x और ये y, x की जगह यहाँ पर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7/5। अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/3। ठीक है बेटा, 7/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अप्रॉक्सीमेट 2.3, और 7/5 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 शायद। ठीक है बेटा, तब आपने क्या करना है, ये वाले पॉइंट्स आपने लगाने हैं। देखो कैसे, दोबारा से ग्राफ के ऊपर पे आ जाओ, तो x तो लेना है 0 और y कितना लेना है, 1.4। x तो 0 और y कितना लेना है, 1.4। यहाँ से आप काउंट कर लें, 1.4 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है x तो लेना है x तो 0 है और y 1.4 था, यहाँ 1.4 यहाँ पर आएगा बेटा, 1.4 यहाँ पे है। और दूसरा पॉइंट कहाँ था, x तो है 2.3 और y 0, 2.3 ये यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये वाला। इन दोनों पॉइंटों को आपस में फिर से ज्वाइन करेंगे, ये वाला पॉइंट है बेटा। ठीक है बेटा, 2.3 लेना है, 2.3 पर ये 2.3 है और ये 1.4 है। और यहाँ पर बेटा आपने डॉटेड लाइन लगानी है, क्या लगाओगे बेटा, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाओगे, ये बेटा ध्यान रखना, कौन सी लाइन, डॉटेड लाइन। अब इसके अंदर ट्रू और फॉल्स फिर से चेक करोगे, यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 0 पुट करोगे, देखो इस x की जगह 0 और इस y की जगह 0 और ये वाला लेस देन एज इट इज 7। अब ये बताओ क्या 7 0 से बड़ा है, यस 7 0 से क्या आता है, बड़ा आता है। अगर 7 0 से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू। तो इसकी जो शेडिंग है वो कहाँ पर आएगी, ओरिजिन की तरफ, इस तरफ आएगी बेटा, देखो जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जरा इसके अंदर ध्यान से देखो, ये वाला जो जहाँ पर हमने शेडिंग करी है, ये वाला जो हमारा है इसको फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जरा ध्यान से देखो कि ये वाली जो हमने पेंसिल से जो शेड करी और जो ये वाली जो लाइन से शेड करी है, तो इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं है ना, इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर और इसके अंदर कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसलिए फिर यही हमारा क्या होगा, मिनिमम सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व हमने ऑब्जर्व किया दैट जेड इज लेस देन 7 हैज नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल सॉल्यूशन, विद द फिजिबल रीजन सॉल्यूशन कह सकते हैं, हैंस तो इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी, जेड इज इक्वल टू 7 एट बी पर 3/2 और 1/2 पर। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये अनबाउंडेड के लिए आपने ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करना है। चलो आपको अगर क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपको 9th क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 9th क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू -x प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेट्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 3, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6 और y क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल 0। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा 9th क्वेश्चन, मैं स्पीड से इसकी टेबल बना देता हूँ। तो फर्स्ट तो है हमारे पास x इज इक्वल टू 3, इससे हमारी लाइन नंबर 1 बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इससे लाइन नंबर 2 बनेगी,
एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, इससे हमारी लाइन नंबर 3 बन जाएगी। तो चलो इसके पहले टेबल बनाते हैं, यहाँ से x, यहाँ पर y, x 0, y 5, y 0, तो x कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट सेकेंड टेबल, यहाँ x और ये y, x की जगह 0 लिख दो तो y 3 हो जाएगा, y 0 लिखेंगे तो x कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास है x इज इक्वल टू 3, 3 का पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से एक सीधी लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये लाइन हमारी आ जाएगी लाइन नंबर 1। सेकेंड है x 0 तो y 5 यहाँ पे, और x 5 है तो y 0 यहाँ पे, दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो बेटा। इनको अच्छे से कर लेना, आपके लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है इसके लिए, वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें, तो ध्यान से देखा करो बेटा लास्ट तक, x 0 तो y 3 ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए, और सेकंड क्या है x 6 तो y 0। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और ये 6 पर लगा लो। ठीक है बच्चे, 3 और 6 पर यहाँ ज्वाइन कर दें, 3 और 6 पे। ठीक है, तो ये लाइन हमारी आ जाएगी लाइन नंबर 3 पे। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा इसके अंदर, शेडिंग करना। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ट्रू और फॉल्स करते हैं, x की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल 3, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। x की जगह 0, y 0, 0 5 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स। x 0, y 0, 6 0 6 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है बच्चे इसको। ठीक है, तो देखो बेटे, अब इसके अंदर हम शेडिंग करते हैं कैसे। फर्स्ट लाइन फॉल्स है ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, ओरिजिन से अपोजिट, तो ओरिजिन से अपोजिट इसी तरफ होगा। देखो सेकेंड लाइन से भी ऊपर, ये सेकेंड लाइन है, और थर्ड लाइन से ऊपर। ठीक है बच्चे, ये हमारी शेडिंग इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये वाला ग्राफ देखो चारों तरफ से बंद नहीं है ना, तो इसलिए ये जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, हमारा अनबाउंडेड ग्राफ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो हमारा ग्राफ बना वो कौन सा है, अनबाउंडेड ग्राफ है। जो चारों तरफ से बंद ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड ग्राफ बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने, कॉर्नर पॉइंट इसको बोलते हैं, एक ये वाला, एक ये और एक ये। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ए 6 0, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, बी, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, सी। आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हो कि इसके सीध में आपके पास कौन सा नंबर लिखा है, 4, और इसके सीध में आपके पास क्या लिखा है, 4 1। आप चाहो तो इसको आपस में सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, ये कौन सी लाइन है, यहाँ पे 3, और इधर कौन सा आ रहा है, 2। तो यहाँ पर सी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कौन सा आएगा, 3 और 2 आएगा। ठीक है बच्चे, 4 1 और 3 2। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये सेकंड वाई लाइन है, ये थर्ड लाइन है, इसको आपस में सॉल्व करोगे तो बी आ जाएगा। चलो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, जेड इज इक्वल टू -x + 2y, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, पहले ए 6 और 0, फिर बी 4 और 1, और सी 3 और 2। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आप इसके अंदर पुट करें, जेड इज इक्वल, एक्स की जगह 6 लिख दो, वाई की जगह 0 हो गया, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 1, -4 2, वाई की जगह 1, तो कितना बन जाएगा, -2। एक्स की जगह 3 पुट कर दो, वाई की जगह 2, तो यहाँ पर -3 और वाई की जगह 2, तो -3 2 2 4 कितना बन जाएगा, 1। समझे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कौन सा था, मैक्सिमम का, कि इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा आंसर जो आएगा वो मैक्सिमम। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल कितना, 1, एट कौन सी पोजिशन पर, सी की पोजिशन पर 3 2। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड पार्ट में हम क्या रखेंगे कि दिस आवर कौन सा ग्राफ है, ये अनबाउंडेड ग्राफ है, बट दिस इज आवर अनबाउंडेड ग्राफ। अगर ये हमारा अनबाउंड, अगर बाउंडेड ग्राफ होता तो फिर क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म था बेटा।
अगर लेकिन अगर हमारा ग्राफ अनबाउंडेड है तो थोड़ा सा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अनबाउंडेड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है जेड और यहाँ पर क्या लिखा था वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेड इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन मिनिमम का होता तो मिनिमम का अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, देखो पिछला क्वेश्चन करवाया ना, तो मिनिमम में हमने क्या लिखा था, ये सेवन आया था, तो जेड इज लेस देन सेवन। अगर मैक्सिमम आएगा तो क्या लिखोगे, जेड इज ग्रेटर देन वन। ये पॉइंट याद रखना बच्चे अच्छे से, ठीक है। तो जेड इज ग्रेटर देन वन, तो जेड की वैल्यू ये वाली जो स्टार्टिंग में गिवन है वो लिखो यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब क्या करोगे, पहले आप इसको इक्वल का साइन मान लोगे, ये सिर्फ अनबाउंडेड के केस में करना है, बाउंडेड वाले केस में नहीं करना, ये बात याद रखना। अब क्या करोगे, दोबारा से फिर से टेबल बनाओगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पर लिखोगे x, यहाँ पर ये y। अब यहाँ पर x की जगह एक बार जीरो लिखो, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2, मतलब 0.5। अगर मैं y की जगह जीरो लिख दूँ तो x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वन के, ठीक है बच्चे। तो दोबारा से इसके अंदर ग्राफ पेपर पर आ जाओ, ठीक है। चलो तो x तो है जीरो और y कितना है यहाँ पर हमारे पास, 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। x तो जीरो और y 0.5, ये पॉइंट यहाँ आएगा बच्चे, देख लो ध्यान से, ठीक है ना। x तो है माइनस वन और y है जीरो, तो अब x माइनस वन कहाँ पर है, ये रहा बच्चे, ठीक है। x तो माइनस का वन यहाँ पर होगा और y जीरो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ध्यान से देख लो, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करो। पर लेकिन अब के बार ये बात ध्यान रखना बेटा, डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है। जब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करोगे तो कौन सी लाइन लगाओगे बच्चे, डॉटेड लाइन लगाओगे, ये देखो, डार्क लाइन नहीं लगानी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये डॉटेड लाइन चलाई हमने, देखो, ठीक है। ये कब करना है, अनबाउंडेड के केस में, बार बार बोल रहा हूँ, बाउंडेड के केस में नहीं करना, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से ट्रू और फॉल्स चेक करो, यहाँ एक्स की जगह जीरो लिखो, वाई की जगह जीरो लिखो, देखो एक्स को जीरो लिख दो, वाई को जीरो लिख दो, ये साइन एज इट इज करना है और यहाँ पर क्या लिखना है, वन, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि क्या जीरो वन से बड़ा होता है, नो, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो अगर फॉल्स है तो क्या शेड्यूल करोगे, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, देखो बेटे ये देखो, ये ओरिजिन है, देखो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, देख लो ध्यान से बच्चे, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो अगर ट्रू होगी तो नीचे, फॉल्स होगी तो ऊपर, ये स्केल से ऊपर ऊपर, जहाँ पहले शेडिंग करी थी वहीं, उसी हिस्से में, ये हिस्से में, यहाँ समझ में आ रहा है, देखो बच्चे, ठीक है। यहाँ पर आपने शेडिंग करनी है और यहाँ पर आपने डॉटेड लाइन लगानी थी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है, देखो यहाँ इक्वल का साइन है, देखो यहाँ पे अगर इक्वल का साइन है तो डार्क लाइन, 11th क्लास में भी आता था, अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है। दो मिनट और ध्यान से देखो बच्चे, देखो बच्चे, अब इस पॉइंट को बताने का मतलब क्या था, अनबाउंडेड वाला जो केस होता है, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिस क्वेश्चन में अनबाउंडेड है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम हो और ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे मिनिमम हो, मैक्सिमम हो भी सकता है नहीं भी, मिनिमम हो भी सकता है नहीं भी। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हमने इसको मैक्सिमम कहा, अगर हमने इसको मैक्सिमम कहा तो इससे कोई और बड़ा पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इससे बड़ा एक और पॉइंट ढूंढ कर दिखाता हूँ। देखो आपने ये वाली शेडिंग लिया ना बेटा, इस शेडिंग के अंदर से कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर चूज़ करो, और ये कॉमन हिस्सा है, जो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था वहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं था, देखो ये शेड नीचे जा रही थी, ये शेड ऊपर की तरफ जाती थी, इस हिस्से में और इस हिस्से में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था, लेकिन इस हिस्से के अंदर ये कॉमन हिस्सा आ रहा है बच्चे, देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये हिस्सा, समझ में आया। तो अब हम क्या करते हैं, इस हिस्से में से कोई भी एक पॉइंट आप यहाँ से चूज़ कर लो, मैं यहाँ से एक और पॉइंट, जैसे रैंडमली मैं इसके अंदर से एक और पॉइंट ले लेता हूँ, फोर की सीध में ले लेता हूँ, यहाँ पे फोर लिख लो, यहाँ पर फोर लिख लो, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फोर फोर, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, देखो देखो, इफ वी टेक एनदर पॉइंट, मैंने एक और पॉइंट चूज़ किया फोर और फोर, इस हिस्से में से चेक करना है बेटा,
और कोई पॉइंट नहीं रहा, सिर्फ इसमें से कौन सा लिया, देखो यहाँ पे ये फोर, इधर से फोर, कोई और पॉइंट भी चूज कर सकते हो, ठीक है। और जेड वाले में आप इसको पुट करो, जेड की वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स प्लस टू वाई, यहाँ पर एक्स की जगह आप फोर पुट करो और फोर, एक्स की जगह यहाँ पर आप फोर लिखो, यहाँ पर टू, वाई की जगह फोर, माइनस फोर, फोर टू जा एट, कितना आ गया फोर, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई फोर। देखें वहाँ पे तो आप फिर इसके अंदर तो जेड की वैल्यू यहाँ पे वन थी, तो आपने उसको मैक्सिमम कहा था, फिर जेड की वैल्यू यहाँ पर ये फोर कैसे आ गई मैक्सिमम, अब ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो हम इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है। अगर मैं इसकी जगह कोई और पॉइंट ले लेता यहाँ से, मैं एक और ले लेता यहाँ पे, एक और पॉइंट ले लेता यहाँ पे, हमने उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि इनमें सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये भी मैक्सिमम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें से कोई भी मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है, ठीक है बच्चे। सो लास्ट में आपने ये लिखना है, सो हेयर वी ऑब्जर्व, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जेड इज इक्वल टू वन, जो आपने जेड की वैल्यू वन निकाली, जेड की वैल्यू फोर निकाली, कि इसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, हम इसके अंदर से कुछ भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व, वी कैन नॉट डिसाइड, हम इसके अंदर डिसाइड नहीं कर सकते कि जेड इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू फोर इसमें से मैक्सिमम कौन है, ठीक है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है डिसाइड, ठीक है। लास्ट आंसर आप क्या लिखेंगे, हेयर नो मैक्सिमम वैल्यू इन दिस ग्राफ। बाउंडेड वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बाउंडेड वाले के अंदर तो आपने बस कॉर्नर पे पॉइंट चेक करने, उसके अंदर आपने ये वाला प्रोसेस नहीं करना, ये प्रोसेस जो आपने मैंने बताया ये सिर्फ आपने अनबाउंडेड के केस में करना है। इसका आप लास्ट एग्जांपल भी देखेंगे तो उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ होगा, आप उसको जरा ध्यान से रीड करना इस एक्सरसाइज की, ठीक है। और इसके बाद जो मैं थर्ड वीडियो जो मैं इसके बाद बनाऊंगा, मुझे टाइम मिला तो मैं अगर थर्ड वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन वो बाउंडेड के होंगे, तो उनको आप ध्यान से देखना कि उसके अंदर कोई पॉइंट रह ना जाए आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है बेटा। तो अनबाउंडेड अगर कोई भी दिक्कत है तो मैंने आप पर अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको फिर से आपको क्लियर कर दूँगा, ओके बेटा, थैंक यू। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे होंगे, तो उम्मीद है, इसी उम्मीद से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि कोई पॉइंट आपका ना रह जाए, ओके बेटा, बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।